भगवान शिव से जुड़े तीर्थों की जब बात होती है तो आमतौर पर केदारनाथ और अमरनाथ का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा में नहीं बल्कि किसी और गुफा में रहते हैं भगवान शिव। अमरनाथ से पहले एक और शिव गुफा है जिसमें भगवान शिव के सपरिवार विराजने की धार्मिक मान्यता है। तो आइए जानते हैं इस गुफा के बारे में। जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रायासी जिला। इस जिले में भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी गुफा स्थित है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। शिव खोड़ी की लंबाई 150 मीटर बताई जाती है। शिव खोड़ी गुफा के अंदर भगवान शिव शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जलधारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडिया विराजित है। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। आस्था है कि पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित परिवार सहित शिव दर्शन करने पर भगवान शिव अपने भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धार्मिक कथा है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। इस गुफा को बनाने का कारण भस्मासुर नामक राक्षस को सबक सिखाना था। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा कि वो जिस किसी के सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। शिव जी द्वारा वरदान मिलते ही भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसू वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणसू पड़ा। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां उन्हें कोई ढूंढ न पाए। तब शिव जी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिप गए। खुद शिव जी ने ही इस गुफा का निर्माण किया था, इसलिए यह शिव खोड़ी गुफा कहलाती है। भगवान शिव को गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर को रिझाने उसके पास पहुंचे। मोहिनी का सुंदर रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने खुद के सिर पर ही हाथ रख दिया और भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होने के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए। शिव जी द्वारा निर्मित इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है जो भी इस गुफा में शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर आगे बढ़ता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे अंतिम छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। मान्यता है कि गुफा के अंदर स्वयं शिव जी साक्षात विराजमान हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।